144, क्वेश्चन नंबर 144, डॉक्टर वेंकटेश नेता बोरलकुंता। माननीय मंत्री जी, सर सभा पटल पर रखा गया। ऑनरेबल मेंबर श्री एम बी वी सत्यनारायण, श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। सब ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बल्क ड्रग पार्क का बारे में, बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग्स जो है ना अभी भी जो है ना कंट्री में काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए जो है ना हमारा तेलंगाना स्टेट ने उसके लिए अप्लाई किया है और विद इन द टाइम अप्लाई किया है। तेलंगाना मेनली जो है ना हैदराबाद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। हम लोगों का कोरोना का टाइम में भी वैक्सीन जो है ना मैक्सिमम वैक्सीन हैदराबाद से प्रोड्यूस किया है एंड फार्मा का कंपनीज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में है और बल्क ड्रग पार्क्स के लिए राइट प्लेस है और उसके लिए हम लोग राइट टाइम में उसको जो है ना हम लोग अप्लाई किया है और अभी चाइना से काफ़ी कुछ हम लोग बल्क ड्रग्स जो है ना इम्पोर्ट कर रहा है और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर भी एग्री किया है अपना रिप्लाई में हम लोग काफ़ी कुछ इम्पोर्ट कर रहा है। इम्पोर्ट रोकने के लिए हम लोग बल्क ड्रग पार्क के लिए हम लोग एंकरेज कर रहा बोल के हमारा तेलंगाना के लिए सब फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा तेलंगाना के लिए हैदराबाद का बल्क ट्रक को जो है ना हम लोग अप्लाई किया उसको दे रहा नहीं दे रहा है, अगर कब तक दे रहा है तो कब तक दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बल्क ड्रग पार्क यानी कि एपीआई देश में बनना बहुत आवश्यक है। आज देश में 12,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज है और फॉर्मुलेशन बनाती है, लेकिन जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में हमें बेसिक केमिकल चाहिए, बेसिक केमिकल्स के बाद की स्टार्टिंग मटेरियल इंटरमीडिएट और उसके बाद एपीआई यानी कि बल्क ड्रग। बल्क ड्रग आज के दिन में देश एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंपोर्ट भी कर रहा है। 33,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहा है और 35,000 करोड़ का हम इम्पोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में हमें बल्क ड्रग देश में ही बने। इसलिए जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त हमने देखा कि देश ने कई ऐसे एपीआई है, कई ऐसे बल्क ड्रग है जो हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट कर रखना पड़ता है। ऐसे 41 एपीआई हमने आइडेंटिफाई किया था और देश में ही वो एपीआई बने, उसके लिए हमने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया। PLI 1 और PLI 2 के माध्यम से 41 एपीआई इंडिया में ही बने, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा बात इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि जब एपीआई के लिए हम पीएलआई स्कीम लाए, ये पीएलआई स्कीम में हमने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित किया था और 1 बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करना था। उसके लिए हमने सारे स्टेट से एप्लीकेशन मंगवाई थी और कई क्राइटेरिया रखा था, उसमें कुल मिला के 13 स्टेट से एप्लीकेशन आई थी और 13 स्टेट के जो एप्लीकेशन आई है उसका इवेल्युएशन किया गया और उसके आधार पर माननीय सदस्य ने जो कहा कि हैदराबाद भी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में हैदराबाद में जो एप्लीकेशन आई थी उसको भारत सरकार ने अप्रूव किया है, 1,000 करोड़ रुपया हैदराबाद के लिए मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल और गुजरात 3 स्टेट का बल्क ड्रग पार्क के लिए एप्लीकेशन को इवेल्युएशन के बाद अप्रूव किया गया और 300 करोड़ रुपया प्राइमरी बेस पर दिया भी गया। श्री विनायक राउत जी,